1992 में फिल्म दीवाना से फिल्म बीनो को अपना दीवाना बनाया। बॉलीवुड के बेताज बादशाह किंग खान सबकी हैं जान। 2 नवंबर 1965 को दिल्ली में पैदा हुए। पिशावर के पठान कबीले से इनका ताल्लुक। इनके वालिदैन तकसीम हिंद से कबल दिल्ली मुंतकिल हो गए थे। किंग खान 31 साला फिल्मी करियर में सदियों पर मुहित कामयाबियों का सफर तय कर चुके हैं। फिल्म बाजीगर का विलन हो या फिल्म डर का जुनूनी आशिक, हर किरदार डूब कर किया। I love you. किरण। फिल्म बाजीगर के बाद शाहरुख खान ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। कभी हाँ कभी ना, अंजाम और दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे ने शाहरुख खान को किंग ऑफ बॉलीवुड बना दिया। कोई बात नहीं सेनोरिटा, कोई बात नहीं, बड़े बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती हैं। दिल तो पागल है, परदेश, यस बॉस, कुछ कुछ होता है, चक दे इंडिया और दिल से मेन की अदाकारी पर फैंस मर मिटे। कभी खुशी कभी गम और मोहब्बतें में किंग खान और बिग बी की अदाकारी फिल्मी शायकीन को है आज भी याद। देवदास में भी जिंदगी का यादगार किरदार निभाया। कल हो ना हो, वीर जारा, पहेली, डॉन, अशोका, कभी अलविदा न कहना, ओम शांति ओम, कामयाबियों का सिलसिला रुका नहीं। रब ने बना दी जोड़ी, चेन्नई एक्सप्रेस, माय नेम इज खान और रावण में भी इनकी अदाकारी सबको भाई। कि हाल ही में रिलीज होने वाली फिल्में पठान और जवान ने कामयाबियों के नए रिकॉर्ड्स बनाए। उन्होंने फिल्मों में सबसे ज्यादा राज का किरदार अदा किया है। शाहरुख खान को सिर्फ 15 वर्ष की उम्र में वालिद की वफात का दुख सहना पड़ा। शाहरुख खान के वालिद ने आजादी की जुद्दोजहद में भी हिस्सा लिया। मौलाना अबुल कलाम आजाद के खिलाफ इंतखाब भी लड़ा मगर वो हार गए। इनके वालिद 1974 में दिल्ली की नेशनल अकेडमी ऑफ ड्रामा में कैंटीन चलाते थे। शाहरुख खान ने वहां राज बब्बर समेत कई मशहूर अदाकारों को अदाकारी करते देखा। वहीं से उन्हें सिनेमा से मोहब्बत हो गई। पंकज उदास के मस्तिकी के प्रोग्राम में काम करके शाहरुख खान ने अपनी जिंदगी की पहली कमाई की, जो सिर्फ 50 रुपए थी। शाहरुख खान की फौज में जाने की ख्वाहिश तो पूरी ना हुई, ताहम अपने पहले टीवी सीरियल फौजी में वो जरूर फौजी बने। वो दुनिया भर में भारत की पहचान है। गोरी से शादी का किस्सा भी दिलचस्पी से खाली नहीं। स्कूल के दिनों में एक डांस पार्टी के दौरान गोरी से मुलाकात हुई। गोरी अपने दोस्तों के साथ छुट्टी मनाने मुंबई गई तो शाहरुख खान भी वहां पहुंच गए। गोरी के तैराकी के शौक से आगाह शाहरुख खान इन्हें मुंबई के साहिलों पर तलाश करते रहे। कई रोज बाद इन्हें गोरी वहां मिल ही गई। पहले दोस्ती मोहब्बत में बदली और 25 अक्टूबर 1991 को दोनों की शादी हुई। मुंबई में अपनी तलाश के दौरान वो रात रेलवे स्टेशन पर गुजारते थे। अमिताभ के अलावा शाहरुख खान ने भी कौन बनेगा करोड़पति की मेजबानी की। कोयला, मैं हूं ना, डुप्लीकेट, परदेश, करण अर्जुन, यस बॉस, चलते चलते और चाहत समेत किंग खान की फिल्मों की एक तवील फहरिस्त है। इनकी बेटी सुहाना खान भी अब फिल्मों में अदाकारी के जौहर दिखा रही हैं। 3 दहाइयां गुजर गईं। किंग खान के फिल्मी करियर का सफर कामयाबी से जारी उसारी है। वो आज भी बतौर हीरो पर्दा स्क्रीन पर जगमगा रहे हैं। फिल्म बीनो की इनसे मोहब्बत आज भी कायम और दायम है। वो आज भी उनकी जान है क्योंकि वो शाहरुख खान है। हैप्पी बर्थडे शाहरुख खान।